हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फारूक, और अभी टाइम हुए हैं 11 बजे हैं और मैं 11:15 बजे ये जाऊंगा हैदराबाद। और आप ये देख सकते होंगे कि फकत अली का जो मेरे कज़न है वो यहाँ पे सोए हुए हैं। और अभी मैं जिम जाऊंगा और जिम के बाद में फिर KFC जाऊंगा, और जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा रात के टाइम वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के नए ब्लॉग की तरफ गाइस। गाइस अभी हम ऑटो बांध रोड पे पहुँचे हैं, और दूसरी बात ये कि सुनने में आ रहा है 16 अक्टूबर को पेट्रोल 41 रुपीज़ कम हो रहा है। आई होप सो कि कम हो जाए, क्योंकि अभी भी पेट्रोल काफ़ी महंगा है। 325 रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। सैटरडे है और मुझे इस डेट सही तरीके से याद नहीं है। आज 7 अक्टूबर 2023 है और आज सारा दिन मैं बोर हुआ हूँ काफ़ी। एक तो मैंने कल केस्टिन मैंने टेबलेट खाई थी एंटी एलर्जिक, जिसकी वजह से आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, तकरीबन 2 बजे उठा हूँ दोपहर को। और कोई एक्टिविटी भी नहीं थी करने की, तो काफ़ी बोर हो रहा था आज। ये है रात के वक्त बंदा, अभी मैं जिम चला जाता हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा आपके व्लॉग्स में मैंने बताया हुआ कि मैं वीक में सिर्फ 2 दफ़ा ही जाता हूँ, और मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, क्योंकि वेट लिफ्टिंग का मुझे थोड़ा बहुत फ्रेश हो। बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और स्पेशल डाइट चाहिए, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। फिर अफोर्ड तो वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मतलब एक हर बंदे को अपना शौक होता है। मेरा शौक वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा है, हैवी वेट उठाने का काफ़ी शौक है मुझे। और हवा भी काफ़ी अच्छी है इस वक्त, चल रही हवा। ये PK होटल लेफ्ट साइड पे, ये भी काफ़ी अच्छा है होटल, लेकिन अभी तकरीबन 11:25 हो रहे हैं। 25-30 मिनट तो जिम में लग जाएंगे। तो 12 बजे KFC की मिड नाइट डील होती है शुरू, तो उसके बाद हम जाएंगे मिड नाइट डील पे। आज माइटी का दिल कर रहा है, आज माइटी खाएंगे, आज माइटी सिंगर। जिम भी बस आने वाला है। एक्चुअली जिम इतना खास नहीं है, हालांकि मैं चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ एक जो बड़े जिम होते हैं वहाँ में ले सकता हूँ एडमिशन, लेकिन मैं यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, वेट लिफ्टिंग का है। तो मैंने कहा कि खामा खा मैं मतलब उस पर क्यों मतलब पैसे वेस्ट करूँ, उससे अच्छा है कि एक सादा सा जिम हो और डाइट बंदा थोड़ी अच्छी कर ले। मुझे भी ऐसे बॉडी जो है बल्कि ज़्यादा पसंद है। तो ये जिम थोड़े समय, ये एक मसला है कि ये वाला जिम जो है ये 6 किलोमीटर दूर है, जो बड़े वाला एक है मसल्स मैनिया, जो कि एक अच्छा जिम है, काफ़ी बहुत अच्छी इसके पास मशीनरी है, लेकिन वो 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो 4000 है, इसके हैं 700। तो मैंने कहा बेहतर है कि यही बेहतर है। इसमें ये होता है कि या तो बंदा शाम को 5-6 बजे या 5 से 7 के दरमियान आता है तो रश नहीं होता, और 11:15 बजे के बाद भी रश कम होता है, क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:15 तक रश नहीं होता, और वैसे भी 12:30 बजे बंद हो जाता है। ये हमारा जिम आ गया है और यहाँ पे हम बाइक करते हैं पार्क।
भाई जिम कर लिया मैंने, अभी 12 बज चुके हैं और अभी निकलते हैं KFC चलते हैं। हाँ 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट ही हैं। अच्छा गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि तो वैसे पिछला जो ब्लॉग था जो बाइसाइकिल POV राइड का जो ब्लॉग था उसमें मेरे ख्याल से नॉट कन्फर्म मेरे ख्याल से मैंने सुपर वाइड एंगल नहीं किया था, वाइड एंगल पे मैंने शूट किया बनाया था, तो इस वजह से बाइसाइकिल का आगे का जो व्यू है नहीं आ रहा था। क्योंकि आज जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया उस दिन के बाद, आज ही मैंने कैमरा ऑन किया तो उसमें वाइड एंगल जो ऑप्शन दिखा रहा था, क्योंकि हालांकि मैं अक्सर सुपर वाइड व्यू एंगल ऑन रखता हूं क्योंकि मैं बाइक चलाता हूं तो जाहिर सी बात है उसके लिए सुपर वाइड एंगल चाहिए। बहरहाल दूसरी बात यह कि मैं सोच रहा था कि मैं चेस्ट वाला जो है माउंट मंगवाऊँ पर फिलहाल नहीं मंगवाता। उसकी वजह यह है कि जब मैं वापस लाड़कना जाऊंगा तो दोबारा मैं ट्राई करूंगा कि सुपर वाइड व्यू एंगल में आ रहा है तो ठीक है एंगल बाइसाइकिल का, और आगे का व्यू तो आ रहा है लेकिन बाइसाइकिल का व्यू नहीं आ रहा था। तो अब देखते हैं, नहीं आया तो फिर माउंट मंगवाऊँगा चेस्ट माउंट, क्योंकि बाइसाइकिल ब्लॉग मुझे बिल्कुल अच्छा मज़ा नहीं आया क्योंकि आगे का व्यू आ रहा था लेकिन साइकिल का व्यू नहीं आ रहा था। जैसे इसमें अभी बाइक चला रहा हूँ मैं, इसमें आप देख सकते होंगे कि आगे का व्यू भी है और बाइसाइकिल का भी व्यू है, और बाइसाइकिल कह रहा हूँ बाइक का भी व्यू है। बहरहाल एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अभी ऑर्डर किया है दराज से चेस्ट माउंट वाला, तो पेमेंट मैंने नहीं की, तो देखता हूँ अगर ऑप्शन आता है तो किसको कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि चाइना में आते आते 15-20 दिन लग जाते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है हालांकि मुझे मंगवाना था मुझे ये चेस्ट माउंट, क्योंकि बाइसाइकिल का ब्लॉग मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन मैंने अभी देखा कि वाइड एंगल ऑन था तो सुपर वाइड एंगल ऑन नहीं था, तो देखते हैं अभी केस जाके अगर ऑप्शन आता है कैंसिल का तो कैंसिल भी कर लेता हूं मैं। ये हम गिदू चौक की साइड पहुंचे हैं अभी, तो थोड़ी देर में हम KFC पहुंच जाएंगे। ये गाइस हम अभी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, तो अभी टाइम हुआ है 12:10। यहाँ से गाइस मैंने यू टर्न किया है और बिल्कुल सामने ये ओडियस हॉस्पिटल, राइट साइड पे न्यास स्टेडियम और ये मैक्स बजट और उसके साथ ही KFC। लेकिन ये KFC की क्या हालत हो गई है, सारा नाले का पानी है यहाँ तो। गाइस पेट फुल हो गया, मज़ा आ गया खा के, अभी निकलते हैं घर की तरफ। गाइस एक्सरसाइज के बाद फास्ट फूड खाने का मज़ा ही अपना है। 12 बजे के बाद गेट बंद कर लेते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कैसे अगले ब्लॉग में मुलाकात करेंगे।
लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इस तरह की आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकूँ। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, बाय बाय गाइज़।